5 मिनट का वीडियो देखिए तो 50 मिनट फिर खुद करिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि हम वीडियो ही वीडियो देखते जा रहे हैं। इवेंचुअली एक समय आता है जब आपको पता चलता है, रियलाइज होता है कि नहीं यार, लाइफ का कुछ करना पड़ेगा। ऐसे अगर लाइफ चलेगी तो कुछ नहीं होगा। अच्छे लोगों के बीच में आप जब अपने सर्कल को एलिवेट कर लेते हो तो आपकी सोच सुधरती। जब एक बार कोडिंग स्टार्ट होती है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते, भर के कोडिंग करते। आप अगर शुरुआत के वीडियोस देखें तो उसमें मैं दिखता भी नहीं हूँ, मेरा नरेशन चलता है और मेरे पास ना कोई माइक है ना कुछ। वो जो 99% लोग हैं जो मेरे कंटेंट का वेट कर रहे हैं, मैं उनके लिए काम करता हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित नेगी और आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है और मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसा है, क्योंकि आज मैं पॉडकास्ट लेने ही वाला हूँ सर का, मतलब पॉडकास्ट हो रहा है मेरा और सौरभ शुक्ला सर का। उनको तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत अगर उनके बारे में बताऊं, क्योंकि वो जो भी मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपने दिखा होगा मैं सर के बारे में कितनी ज़्यादा बातें अपनी वीडियो में करता था। कहता था अगर आपको सी पढ़नी है, सी प्लस प्लस पढ़नी है, जावा पढ़नी है, सर से पढ़ो, उनसे बेस्ट कोई नहीं पढ़ाता है, क्योंकि मैंने पर्सनली सर को काफ़ी फॉलो किया है। तो आज सर की जर्नी के बारे में हम जानेंगे। सर ने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स वीडियोज़ क्रिएट करें, लेकिन आज की इस वीडियो में आज हम सर की पूरी जर्नी, लाइफ जर्नी, उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो सर, वेलकम टू माई पॉडकास्ट। थैंक यू रोहित, और सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ दो वजह से। एक तो आपका इतना अच्छा पैकेज लगा, दूसरा मुझे खुशी इस बात की कि जो नॉर्थ बेल्ट है, जहाँ पे खासतौर पे हिंदी भाषी जो जगह है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडरएस्टिमेट करते हैं, जिनके लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया कि मुझे हिंदी में कॉन्टेंट प्रोड्यूस करना है, और वहाँ से जब किसी का कुछ बढ़िया सिलेक्शन होता है और कुछ अच्छा लाइफ बनती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो रोहित, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। सर, मैं तो आप वैसे भी आपका स्टूडेंट हूँ, क्योंकि जर्नी हम मैंने आपसे ही शुरू करी थी। तो सर, आप थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, कैसे स्टार्ट किया, कैसे बच्चे थे आप स्कूल वगैरह में? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा टीचर होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद एक एवरेज स्टूडेंट रहे हो। अगर आप टॉपर रहते हैं हमेशा से तो शायद आप कभी उस बच्चे के मन की बात नहीं समझ सकते जो स्ट्रगल कर रहा है। तो मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है और मुझे भी गाइडेंस का अभाव रहा, जो हमारे यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स फेस करते हैं ये प्रॉब्लम। तो स्कूल लाइफ में कभी भी पढ़ाई मेरे लिए बहुत बड़ी, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ और बहुत पढ़ रहा हूँ। मैं बहुत एवरेज रहा हूँ और 60s में परसेंट आ गए तो बहुत अच्छी बात है। 9th तक तो मेरे भी 60 भी नहीं बनते थे, तो समहाउ 10th 11th 12th में जाके थोड़ा सा बेटर हुआ, 60s में आना चालू हुआ। 70s तब भी मैंने टच नहीं करा। ग्रेजुएशन मैंने किया एक ऐसे कॉलेज से जो बहुत ज़्यादा जाना ना पड़े, जहाँ पर, क्योंकि मुझे ट्यूशंस पढ़ानी होती थी, बिकॉज हम लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरे को अपनी पॉकेट मनी के लिए ट्यूशंस पढ़ानी होती थी, तो मैं ट्यूशंस पढ़ाता था घर घर जाके। सर, ग्रेजुएशन में क्या किया आपने, बीटेक? ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी किया। ओके। बीटेक क्यों नहीं किया, इसकी भी अच्छी कहानी है, क्योंकि मेरे एक पीईटी एग्जाम होता था स्टेट लेवल पे, मैंने उसको दिया था, तो उसमें 900 मार्क्स में से मेरे 272 आए थे, सो नॉट इवन पासिंग। तो दैट वॉज अ वेरी ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, एंड मुझे लेकिन फिर भी उतना दुख इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसके लिए कोई तैयारी करी भी नहीं थी, तो कोई कोचिंग नहीं गया, कुछ नहीं गया, और मैं लोगों को ये समझाता था कि इंजीनियरिंग में कोई स्कोप नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई ये थी कि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। और उसके बाद मैंने बीएससी करी। बीएससी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से करी। लोग कंप्यूटर्स में कर रहे हैं, मुझे नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि उसकी फ़ीस ज़्यादा है, तो मैंने नहीं किया। लेकिन इवेंचुअली एक समय आता है जब आपको पता चलता है, रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, लाइफ का कुछ करना पड़ेगा। ऐसे अगर लाइफ चलेगी तो कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं ट्यूशंस जो पढ़ा रहा था उसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे और बड़े मुश्किल से मिलते थे। मैं घर घर जाके पढ़ा रहा हूँ और मेरे को बोलते थे कि कल दे देंगे फीस। okay. और ऐसे करते करते 15 दिन निकाल देते थे। अब आप सोचो, मैं फीस के लिए ही तो पढ़ा रहा था, तो मेरे को काफ़ी लगता था कि नहीं यार, मैं ऐसा ज़िंदगी भर तो नहीं कर सकता। तो मेरे को किसी ने सलाह दी कि तुम MCA कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, चलो MCA करते हैं। तो मैं गया कोचिंग में, तो मेरे सर हैं शरद गुप्ता सर, आज भी मैं उनको बहुत मानता हूँ, वो मेरे दोस्त जैसे भी हैं, मेरे बड़े भाई जैसे भी हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत गाइड किया, और उन्होंने मुझ पर बिलीव किया, सबसे बड़ी बात। तो मैं समझ सकता हूँ टीचर का रोल स्टूडेंट की लाइफ में क्या होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि आपको ही मेहनत करनी है, लेकिन टीचर ने जो रास्ता दिखा दिया ना, वो 1% का रोल है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस समय। तो बस उनके कहने पर मैंने MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करी। एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेरी रैंक अच्छी आ गई, ऑल इंडिया 6th आ गई। तो फिर मैंने NIT भोपाल से अपना MCA किया, जहाँ पर मेरी कॉलेज से प्लेसमेंट भी हुई थी। लेकिन जो पहला प्यार अब कहना चाहिए टीचिंग के लिए हो गया था। okay. और मैं पढ़ा ही रहा था, तो मैंने कहा बस यही करना है अब तो लाइफ में। तो सर, जो अभी आपने बताया आपने BSc के बाद MCA किया, तो ये अभी भी चलता है या फिर अभी सिर्फ BCA वाली MCA दे सकते हैं? MCA के लिए अभी बहुत अच्छी चीज़ ये हो गई है कि एक निमसेट नाम से एग्ज़ाम होता है, जिसमें 10 NIT पार्टिसिपेट करते हैं, कभी 11 भी हो जाते हैं, लेकिन NIT, उसमें NIT त्रिची टॉप पे है। ओके।
तो यहाँ एक ही एग्ज़ाम देकर आप इतने अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हो. तो उन लोगों के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग में IIT का एग्ज़ाम दिया लेकिन नहीं निकाल पाए, NIT का एग्ज़ाम दिया नहीं निकाल पाए, तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं. अभी उनके पास एक मौका है, वो MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम दें और उसके बाद फिर उन्हीं कॉलेजेस में जा रहे हैं. पहले तो IIT रुड़की में भी होता था, अभी नहीं होता IIT में, लेकिन NITs में जा सकते हो आप, और भी कॉलेजेस में होता है, पर मैं निमसेट की बात ज़्यादा करता हूँ. बाकी JNU से भी होता है, BHU से भी होता है, बहुत सारे कॉलेजेस से होता है. तो अगर आपने निमसेट निकाल लिया और अच्छी रैंक लिया तो आप उसी कॉलेज में, आपको वही अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही, तो आप वो लाइफ जो आप रिग्रेट कर रहे थे वो दोबारा जी पा रहे हो. तो सर आपने MCA की तैयारी, MCA में जब आपने एडमिशन लिया उस दौरान आपकी जर्नी क्या रही, आपने क्या क्या किया, क्या आपने वहाँ जाके पढ़ाई कर रहे थे या फिर और चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर रहे थे? क्योंकि जब हम नए कॉलेज में जाते हैं घर से बाहर या फिर कहीं भी, तो हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करें. तो आपके साथ क्या सीन था उस टाइम पे? यार मेरे साथ तो ऐसा था कि जब मेरी ऑल इंडिया रैंक 6 लगी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा तीर मार लिया है, हर कोई तारीफ़ कर रहा है, हर कोई बात करना चाह रहा है, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, पेपर में फ़ोटो छप रही है. तो मैं तो उस खुमार में था उस समय. लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज में पहुंचा ना, तो वहां पे मुझे पता चला फर्स्ट रैंक वाला ये बैठा है, सेकंड रैंक वाला ये बैठा है, थर्ड रैंक. तो मैंने कहा ये तो नॉर्मल हो गया. तो वो जब आपने अपना लेवल बढ़ाया और फिर वो नॉर्मल लगने लगा, तो फिर आप ऊपर देखते हो, फिर अब और आगे क्या जा सकते हैं. कॉलेज में मुझे को बहुत अच्छा सर्कल मिला, बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, लेकिन कॉलेज से मुझे वो एम्बिशियस वाला माहौल नहीं मिला कि हमें कुछ बड़ा करना है. वो माहौल नहीं था, तब भी नहीं था. मैं पढ़ाने में ज़्यादा व्यस्त था. मैं दिन भर कॉलेज में गया और शाम को मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ. मुझे पढ़ाने में ही मज़ा आता था. तो मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहा मैं उस समय अपनी पढ़ाई में. ठीक, अच्छे परसेंटेज बन गए, सब कुछ हो गया, जॉब भी लग गई, जो प्लेसमेंट में शुरुआत की कंपनी में प्लेसमेंट भी हो गया, तो वहाँ तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया रहा. लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बढ़िया चीज़ हुई कॉलेज में जाके, वो होता है कि अच्छे लोगों के बीच में आप जब अपने सर्कल को एलिवेट कर लेते हो तो आपकी सोच सुधरती है. मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ ना, वहाँ ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं पहले दिन ही बहुत बड़ा सपना देख लूँ. मैंने सपने देखना धीरे धीरे सीखा है. तो कॉलेज में जाके मैं एक लेवल के सपने देखना चालू कर, आज भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं रुक गया हूँ, मैं आज भी आगे बढ़ रहा हूँ, आज भी बड़े सपने देखता हूँ, और एक लेवल तक पहुँचने के बाद फिर मैं और बड़े सपने देखने की कोशिश करता हूँ, और यही जर्नी है. तो अगर मैं सर के पॉइंट को अगर थोड़ा सॉर्ट आउट करूँ, तो सर कह रहे कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे अगल बगल लोग हैं, वो हमको ऊपर पुश करते हैं. अगर वो कम हुए तो आपको नीचे भी धकेल सकते हैं, उल्टा असर भी हो सकता है उस चीज़ का. संगत हमको चुननी है, आप खुद डिसाइड करो कि आपको किन के बीच में रहना है. हाँ, वो सही बात है सर. सर एक चीज़ और, आपने कहा कि BSc में आपकी कंप्यूटर साइंस नहीं थी. नहीं थी. कितनी डिफिकल्टी हुई MCA में? बहुत ज़्यादा. आपको मैं बताऊँ एक किस्सा. मैं शुरुआत किया, मैं पहला दिन होगा लैब का कॉलेज में, तो मेरे साथ एक स्टूडेंट बैठा हुआ है मेरी क्लास का, और उसने प्रोग्राम बनाया सी लैंग्वेज में. उसने कैसा बनाया, ग्राफिक्स यूज़ करे, और यहाँ पे एक लड़का है और यहाँ पे एक हार्ट है. वो यहाँ से तीर जा रहा है और उस हार्ट पे. तो अब मेरे साथ एक और बैठा हुआ था, उसने पता है छोड़ दिया कॉलेज. अच्छा. उसने ये नहीं होगा मेरे से. अच्छा. वो इतना डर गया, बोले ये लेवल के बच्चे हैं यहाँ पर. और मुझे भी लिटरली फील तो वही हो रहा था, बस मैंने छोड़ा नहीं. तो मैंने जैसे तैसे करके सर्वाइव करा. मतलब पहले सेमेस्टर में तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे कंप्यूटर्स बैकग्राउंड के और मैं कंप्यूटर्स बैकग्राउंड का नहीं था. और पता है रोहित, यही कारण है कि मैं कंप्यूटर्स आज पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि शुरुआत में बच्चे कहाँ परेशान होता है. अच्छा. आपने देखा ही है, मैं कभी भी चीज़ों को वहाँ से स्टार्ट नहीं करता जहाँ से नॉर्मली लोग करते हैं. मैं टाइम लेता हूँ, पहले उसकी हिस्ट्री बताता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ, क्यों बना, ये सब बताता हूँ. मुझे बड़ा मज़ा आता है उस चीज़ में. और जब मुझे लगता है कि अब कंफर्टेबल हो गया स्टूडेंट, तब मैं धीरे से उसको कोडिंग की तरफ लेकर जाता हूँ. और जब एक बार कोडिंग स्टार्ट होती है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते, भर के कोडिंग करते हैं. तो सर हाँ, मुझे उप्स का कॉन्सेप्ट भी आपका याद है. आपने पूरा बैकग्राउंड बनाया, फिर आपने स्टार्ट करा उप्स. आपने ऐसे नहीं करे, सीधा आपने पढ़ाना शुरू कर दिया जैसे बाकी करते हैं. तो सर फिर आपने कहा आप जॉब करते थे, मैं टीचिंग में, वो आपका पैसन था, उससे ज़्यादा इनकम भी आपकी जनरेट हो रही थी. तो आप उसमें क्या पढ़ाते थे? आपने CS तो मेरे ख्याल से आपने डायरेक्ट शुरू नहीं किया होगा, पहले आप कुछ और ही सब्जेक्ट पढ़ाते रहोगे, क्योंकि आप टीचिंग पहले से कर रहे थे. तो पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे? पहले मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था, क्योंकि MCA एंट्रेंस एग्जाम में मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन मैथमेटिक्स का होता है. अच्छा. तो मैंने मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया. अच्छा. और मुझे बड़ा मजा आने लगा मैथ्स में, क्योंकि अब एंट्रेंस एग्जाम की अगर किसी ने तैयारी कर ली एक बार तो उसका वो सब्जेक्ट हो जाता है अच्छे से तैयार. तो वो मैं पढ़ाता था. मैथ्स किस टाइप के, एप्टीट्यूड टाइप या फिर कुछ? नहीं, ये मैथ्स होती है हायर मैथ्स. इसमें मेनली 11th 12th का जो मैथमेटिक्स होता है वो ज़्यादातर आता है. कुछ जगह पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में BSc का भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, बट मेजॉरिटी 11th 12th का मैथ्स है. जो आप IIT JEE के लिए भी तैयारी करते हैं सेम वही है. तो आपकी यूट्यूब जर्नी कैसे शुरू हुई, कितनी डिफिकल्टी हुई एज अ बिगिनर की हाँ मुझे शुरू करना है, क्योंकि अभी
ऐसा कभी दिल में ख्याल आया मन में कि अगर मैं YouTube पे वीडियो बनाऊंगा तो अगल बगल के लोग क्या कहेंगे, ये कौन क्या कहेगा? अभी बहुत लोगों को आता है, मुझे भी आता था पहले, तो उस पर अपना थोड़ा। देखो आजकल क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेज हो गए हैं, सबको पता रहता है YouTube पे कैसे हमें बनाना है, सब बहुत आपको ज्ञान मिल जाएगा। मेरे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट आज की डेट में कोई भी स्टार्ट करता है तो उसका एक फाइनेंशियल प्लान होता है कि उसे YouTube के लिए क्या क्या गैजेट्स चाहिए, कैसे उसको स्टार्ट करना है और कैसे उसकी इनकम जनरेट हो सकती है। लेकिन ये सब कुछ थॉट प्रोसेस था ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए कोई था ही नहीं जिसको देखकर मैं ये चीज़ स्टार्ट करूँ। मैंने तब 2014 में मैंने स्टार्ट कर दिया था, उस समय ज़्यादा यूट्यूबर्स भी नहीं थे, और मुझे याद है कि तब 1,00,000 सब्सक्राइबर भी अगर किसी के हैं तो वो बहुत बड़ा स्टार है। मतलब जिनके हम नाम सुनते हैं यूट्यूब में आजकल, जो बड़े स्टार हैं, उनके तब 1,00,000-2,00,000 सब्सक्राइबर हुए थे। तो मैं उस समय से जर्नी स्टार्ट करी है, तो बहुत मुश्किल रहा क्योंकि कोई नॉलेज नहीं था। आप अगर शुरुआत के वीडियोस देखें तो उसमें मैं दिखता भी नहीं हूँ, मेरा नरेशन चलता है और मेरे पास ना कोई माइक है ना कुछ है, मेरे पास सिंपल लैपटॉप है और नॉर्मल लैपटॉप है वो भी, और उसके अंदर मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है और उसी में नरेशन का ऑप्शन रहता है। अच्छा। तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा। मुझे थंबनेल भी नहीं बनाना आता था उस समय, तो मैंने थंबनेल की जगह अपनी एक फोटो लगाई हुई थी और सभी वीडियोस पे सेम फोटो चल रही थी। बहुत सालों तक वही रहा, मैंने बाद में जाके कुछ वीडियोस पे चेंजेस करे। तो आई वॉज वेरी बैड एट मार्केटिंग, मुझे नहीं आता, लेकिन बस मैंने कंटेंट बनाया, दिल से बनाया और बच्चों को बड़ा पसंद आया। तो मतलब सर आपका कंटेंट ही आपका, मतलब आपने क्वालिटी कंटेंट बनाया इसलिए आप बहुत ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा ग्रो हुए। मैंने सोचा नहीं कि इसको क्वालिटी बनाना है, अगर सोचा होता तो मैं बहुत ऑडियो पे बहुत वर्क करता, वीडियो क्वालिटी पे बहुत वर्क करता। मेरे को नहीं मालूम था क्वालिटी क्या चीज़, मैं बहुत नेचुरल हूँ जैसा मैं पढ़ाता हूँ, मतलब मुझे ऐसे ही आता है पढ़ाना। अब ये अच्छा है ये मुझे बाद में पता चला, तो मैं तो बस अपना काम कर रहा था, लेकिन लोगों को मज़ा आया। और क्या होता है ना कि जब आपको फीडबैक मिलता है मार्केट से, तब आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये मेरी चीज़ अच्छी है, ओके ठीक है, तो फिर अब मैं इस पर वर्क करता हूँ। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई स्किल्स, और फिर वहाँ से मैंने यूट्यूब को करीब 1 साल बाद सीरियसली लिया। मैंने वीडियोज़ तो डाले डेली। अच्छा। एक समय था 3-3 वीडियो एक दिन में डाल रहा था। अच्छा। बस और कुछ काम ही नहीं था, रात को 2 बजे उठ के, मेरी शादी हो चुकी थी तब तक, तो बच्चे थे, लेकिन मैं कर नहीं सकता था, दिन में रिकॉर्डिंग ही नहीं कर सकता था घर पर, तो रात को 2 बजे उठता था, रिकॉर्डिंग करता था, अपलोड करता था। सर जब आपने यूट्यूब स्टार्ट किया उसके बाद आपने लेक्चर बनाए, तो आपके लिए ऐसा टीचर सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको कब मिला? मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है जब कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि सर मेरी ज़िंदगी क्या थी और अब क्या हो गई आपके डायरेक्शन की वजह से, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है। मैं अगर आप जो काम कर रहे हो, हर इंसान काम करता है, देखो किसी भी फील्ड में उसको अप्रिसिएशन चाहिए, उसको चाहिए कि लोग बताएं कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम्हारे काम से इतना इम्पैक्ट पड़ा। मुझे लगता है कि टीचिंग इतना नोबल प्रोफेशन है कि हर बच्चे को, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में वो एक टाइम आता है जब उसे गाइडेंस की ज़रूरत होती है अपने करियर को लेकर, और वो टाइम पे अगर मेरी वजह से किसी बच्चे को फ़ायदा हो गया, यार इसमें उस बच्चे से ज़्यादा खुश मैं हूँ, मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और यही कारण है कि मैं टीचिंग फील्ड में रह पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है। तो सर कभी आपके वीडियो में कमेंट में कभी हेट वगैरह या फिर ऐसा कुछ कि बंद कर दो कुछ नहीं, ऐसा कुछ? बहुत कम, बहुत कम। मुझे आई एम सो ब्लेस्ड कि स्टूडेंट्स बहुत प्यार करते हैं। आप अगर शुरुआत के वीडियोस देखें तो उसमें मैं दिखता भी नहीं हूँ, मेरा नरेशन चलता है और मेरे पास ना कोई माइक है ना कुछ। 1,000 अगर लाइक हैं तो 2, 3, 4, 10 डिसलाइक से ज़्यादा नहीं आएंगे। एक बार ज़रूर मैं, क्योंकि फ्री कॉन्टेंट बहुत बनाया मैंने, उसके बाद फिर मैंने पेड प्लेटफॉर्म चालू किया। अब पेड प्लेटफॉर्म चालू किया तो इट्स अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब, थोड़ा सा उसका भी खर्चा लगता है, तो मुझे उसका खर्चा निकालना था, तब जाके मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता था, तो मैंने उसकी कुछ फीस रखी बहुत नॉमिनल। तब पहली बार हेट कमेंट चालू हुआ कि आप तो पैसा पैसा करने लगे। अच्छा। अब मैं उनको समझा रहा हूँ कि यार, मैं एक एक को समझा रहा हूँ कॉमेंट में कि यार तुम क्या बोल रहे हो, मैं ये सब सिस्टम प्रोवाइड करूँगा तो वो पैसा कैसे, मैं तो नहीं भर पाऊँगा और मुझे भी अपना घर चलाना होता है। तो एक एक को जवाब दिया, फिर नहीं समझ में आया तो मैंने एक रिप्लाई पे एक वीडियो बनाया और वो वीडियो बहुत चला और उस वीडियो पे मुझे इतना सपोर्ट मिला कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार वो हेट वालों को तो देखो भी मत, क्योंकि वो 1% ही है, मैं उनके लिए तो हूँ भी नहीं यहाँ पर। वो जो 99% लोग हैं जो मेरे कॉन्टेंट का वेट कर रहे हैं, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात थी। सर अगर मैं अगला क्वेश्चन पूछूं, अगर कोई ऐसा बिगनर आपको, हम अभी इस वीडियो को देख रहा है, उसे कुछ नहीं पता कि कैसे शुरू करूं, तो उसके मन में बहुत सारे डाउट होंगे, तो उसके लिए रिलेटेड कुछ एडवाइस? अगर प्रोग्रामिंग की फील्ड में अपना जर्नी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी जब शुरुआत करता है तो उसके मन में बेहतरीन डाउट्स होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, लेकिन
ये डाउट 3 दिन बाद अपने आप खत्म हो जाते हैं, आप पूछो या ना पूछो, क्योंकि उत्साह शुरुआत में ज्यादा होता है और रियल जो डिटर्मिनेशन चाहिए ना वो 3 दिन बाद स्टार्ट होता है। ये कुछ ऐसा समझे कि आप जब कोई कॉपी बनाते हैं, रजिस्टर बनाते हैं, तो पहले 3 पन्ने की राइटिंग देखिए आप, उसमें स्केल और अंडरलाइन वगैरह 3 कलर के पेन, लेकिन अगर किसी को जज भी करना है ना 4 पन्ने ही पलटो, उसके बाद देखो कि वो असल में है कैसा इंसान। तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आज की दुनिया में जब हम इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स को यूज़ करते हैं तो हमारे पास पेशेंस नहीं है, 15 सेकंड में हमें लगता है कि अब आगे बढ़ो। तो मैं बोलूँगा पेशेंस रखें, धीरे से पढ़ें, आराम से पढ़ें और प्रैक्टिस बहुत करें। जितना आप खुद करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। आप 5 मिनट का वीडियो देखिए तो 50 मिनट फिर खुद करिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि हम वीडियो ही वीडियो देखते जा रहे हैं और हम खुद कुछ भी नहीं कर रहे। तो आप जर्नी स्टार्ट करिए, मेरे वीडियो से करें या किसी के भी वीडियो से करें, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस करें। मतलब शुरुआत करना जरूरी है, शुरुआत करना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते रह जाते हैं, प्लानिंग ही चलती रहती है। मैंने देखा है टाइम टेबल बनता है और उनको सारे डाउट पहले क्लियर करने होते हैं शुरू करने से पहले। मैं बोलता हूँ कि यार तुम पहले शुरू कर दो, डाउट अपन धीरे धीरे रिजोल्व कर लेंगे, पहले जर्नी स्टार्ट कर दो, वो ज्यादा जरूरी है। तो सर आज का वीडियो मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपके साथ पूरा इंटरेक्शन करके। मतलब काफ़ी क्वेश्चन पूछे, काफ़ी शायद मिस भी होंगे, मैंने अपने पर्सनल लेवल पर बेस्ट किया। सर अगेन मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, और जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सर का चैनल भी चेकआउट कर सकते हो। मैं हाँ छोटा हूँ पर फिर भी सर बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट। तो सर का चैनल का जो लिंक होगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा सारे चैनल का। So sir, again, thank you so much. Thank you so much, Rohit. Thank you so much. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.